इतने कम प्राइस में इतने ज्यादा बर्तन में देखे ये इतनी बड़ी पट्टी लगा दी डॉक्टर ने। और गांव में से ये सेम वही चीज बनी हुई है। इसके अलावा अपीजान आपके लिए मेरा एक मैसेज है, सबसे प्यारा जो मुझे सबसे प्यारी ये चीज पसंद आई थी ये। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज नीव लेकर आया कुछ सामान और अभी मैंने बनानी है अफतारी, उसकी कर रहे हैं तैयारी। बाहर इतनी ज्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है, पिछले दो जुमे तो बारिश हो रही थी लेकिन आज काफी गर्मी है भाई, बहुत सख्त धूप है। ये मंगवाए हैं उससे मैंने प्याज और ये वो बोंगा, उससे मैंने कहा ही नहीं था ये चीज लेके आना, और ये पुदीना धनिया पुदीना ले आया, सॉरी धनिया नहीं लेकर आया। और ये आ गई है ग्रीन चिलीज, ये आ गई प्यारी प्यारी सी मिर्चें, और ये आ गया लहसुन अदरक। अभी मैं इनको निकाल के तो बास्केट में डालती हूँ और फिर टाइम निकाल के तो इसको सारा सेट करूँगी। फिलहाल तो ये स्टैंड के अंदर रखने लगी हूँ। वैसे इसके अंदर प्याज नहीं डलते लेकिन ग्रेवी चाहिए थी इसलिए मैंने इसके अंदर प्याज डाले हैं। अभी मैं लहसुन अदरक को वो भी उसका भी पेस्ट बनाऊंगी और वो भी डाल दूंगी। देन मैं ये चिकन डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई करूंगी, यानी इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाएगी। फिर बाकी टमाटर वगैरह वो डाल के फिर इसकी भुनाई करेंगे। जितनी देर दूसरा काम हो रहा है ना उतनी देर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने गाँव से कौन कौन से बर्तन लिए थे, मैं वहाँ से बर्तन लेकर आई हूँ। अभी शेल्फ छोटी है तो रूम में जाकर मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल अभी उसको टाइम लगेगा थोड़ा मसाला फ्राई होने में, तो पहले बर्तन देखते हैं। अभी मैंने इनको सेट नहीं किया किचन में, ये जैसे मैं लेकर आई थी वैसे पैक ही रखे हुए हैं। और ये यकीन माने इतने सस्ते बर्तन वहाँ से मिल गए थे ना, लाहौर में तो बहुत महंगे मिलते हैं। ये तकरीबन जितने भी बाउल्स हैं या प्लेट्स हैं या जग है कोई 250 में लिया था और कोई 200 में, कोई 300 में, बस इनके जो प्राइस है वो यही है। एक ये सबसे पहले ये बाउल है, स्ट्रॉबेरी बनी हुई है, और ये कोई भी स्वीट डिश डालने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और मुझे जब हम शॉप पर गए तो मुझे क्योंकि ज़्यादा बर्तन वगैरह का या घर की चीज़ों का शौक है तो मैंने कहा कि मैंने तो ये सामान लाजमी लेना ही लेना है, तो मैंने फिर ये अपनी शॉपिंग वहाँ से ये की थी। वैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें शौक होता है कपड़ों का या ज्वेलरी का, तो मुझे ऐसा कोई भी शौक नहीं है कपड़ों का या ज्वेलरी। पहने अच्छा पहने लेकिन थोड़ा साफ सुथरा पहने, वो बहुत ज़्यादा के चक्कर में अपने आप को पागल ना करें। तो ये हो गया बाउल। उसके बाद ये एक छोटा सा जग लिया था, यह आपने वीडियो के अंदर देखा भी होगा, और ये भी शायद 200 में या 250 में मिला था, मुझे एग्जैक्ट प्राइस अभी याद नहीं है लेकिन इसकी जो प्राइस थी वो इतनी थी। और इसके अंदर दो गिलास आराम से आप पानी बना सकते हैं या दूध, हमारे अफतारी में दूध लाजमी बनता है तो इसमें दो गिलास दूध आ जाएगा, दो ही लोग हैं दो गिलास दूध इसके अंदर दूध आ जाएगा एक पर्सन के लिए, वैसे ये बिल्कुल ठीक है। और अभी मैं इसलिए स्टैंड पर बर्तन रख के दिखा रही हूँ क्योंकि बाहर जगह नहीं थी और मैंने कहा बेडरूम में नहीं जाते, इधर ही दिखा देती हूँ। और ये इधर ही पड़े हैं मैं उस दिन से। एक ये मैंने लिया था बाउल, ये देखें ये 200 का, कितना प्यारा बना हुआ है, ये बाउल हो गया। और मैं साथ साथ पैक भी करी जा रही हूँ कि फिर यू नो खलारा बहुत पड़ जाता है और मुझे उठाया नहीं जाता फिर केली से इतना। एक ये बाउल था, अभी वॉश होने वाली है, इसके अंदर डस्ट पड़ी हुई है। और इसमें आप मीठा भी डाल सकते हैं, उसके अलावा आप इसके अंदर खाना वगैरह भी डाल सकते हैं, सालन वगैरह भी डाल सकते हैं, और ये ओवन में गर्म भी हो जाएगा। और जो ये कटोरी आप देख रहे हैं ये 100 रुपये की ली थी, ये मुझे इसकी प्राइस याद है, ये उनके पास दो ही पड़ी थी और इसके अंदर कलर भी ये दो ही थे, ये कलर्स में थी लेकिन फिलहाल ही ख़त्म हो चुकी थी तो ये मैंने ले ली, फिर प्राइस बहुत अच्छी थी। वैसे बाउल एक मैं निकाल लेती हूँ, खाना बना रहे हैं तो फिर इसके अंदर डालेंगे। और एक ये थी छोटी सी ट्रे,
प्यारी बनी हुई है ना, ये भी 200 में ली थी। इतने कम प्राइस में इतने ज्यादा बर्तन मैंने पहले कभी भी नहीं लिए। ये देखें, ये इसके अंदर आप स्वीट्स डाल सकते हैं, निम्को डाल सकते हैं, वैसे कुछ भी मीठा डाल सकते हैं। उसके अलावा आप इसके अंदर जैसे अभी रमजान चल रहा है, खजूरें डाल के रख सकते हैं। आज खजूरें आती हैं तो फिर इंशाल्लाह डालते हैं इसके अंदर। अभी मैं इसको निकाल के तो वॉश करती हूँ पहले, तो फिर इसको यूज़ करना शुरू करेंगे। खजूरें इसके अंदर रखेंगे, काफ़ी प्यारी लगेंगी। हमारे ये होता है देसी, हमारे देसी घरों में जब भी अच्छे बर्तन लिए जाते हैं तो वो संभाल के मेहमानों के लिए रख दिए जाते हैं, और जो आम बर्तन होते हैं उसी में हम खुद खाते पीते रहते हैं। और अभी एक मेरा नुकसान हो गया छोटा सा, ये मैंने वहाँ से मग लिए थे 200 में, सॉरी 250 में, तो ये मग तो सलामत है, चीनी का बना हुआ है, बिल्कुल बारीक सा है। और जो ये मग है ना, ये टूट गया, क्योंकि तब थोड़े से बर्तन मैंने फर्स्ट टाइम लिए थे जाके, और थोड़े से मैंने लिए थे शाम को, तो जो मैंने शाम को लिए थे ना तब अफ्तारी का टाइम हो रहा था, तो उन्होंने मुझे पैक नहीं करके दिए। वैसे ये मैंने फर्स्ट टाइम ही ले लिए थे, सुबह मॉर्निंग में लिए थे, लेकिन उन्होंने बॉक्स में नहीं दिया ये वाला, तो ये टूट गया ये, अब ये ऐसे रहेगा। उसके अलावा ये सबसे प्यारा, जो मुझे सबसे प्यारी ये चीज़ पसंद आई थी, ये भी इसकी जो प्राइस है वो भी 200 है, और इसकी जो प्लेट है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। ये देखें किस कदर प्यारी बनी हुई है ये, और ऐसी प्लेट मैंने लाहौर में मेरा नहीं ख्याल के 200 में कहीं देखी हो, इतनी सस्ती। और अगर अब किसी का चक्कर लगेगा ना तो फिर मैं उनसे मज़ीद ऐसी चीज़ें मंगवाऊंगी। और ये जितने भी बर्तन पड़े हैं इसमें मैंने 2 बाउल्स लिए हैं, 6 प्लेट्स ली थी ये वाली, ये देखे ना, ये शुक्र है ये नहीं टूटी, ये बहुत बारीक बनी हुई है प्लेट, और ये नहीं टूटी, वो टूट गया। ये जितने भी बर्तन है ना तकरीबन ये आए थे 3000 में, या शायद 2500 या 3000, इतने में ये सारे बर्तन आए थे। कुछ मैंने फर्स्ट टाइम लिए थे जाके, और फिर मुझे तसल्ली नहीं हुई, मैंने प्लेट्स 2 ही ली थी, फिर मैंने कहा नहीं प्लेट जो है वो कम है, तो मैं जाके दूसरी भी ले लेती हूँ, 6 पूरी कर लेती हूँ, और अगले चक्कर में फिर ऐसे ये बस बिला वजह शॉपिंग हो गई थी, कोई इरादा नहीं था। तो नेक्स्ट चक्कर में जो जो चीज़ें नहीं ली इंशाल्लाह वो भी मंगवाऊंगी, अगर मेरा खुद से चक्कर लगा तो खुद जाकर ले आऊँगी, और अगर कोई और गया तो फिर उनसे मंगवा लूँगी। और इसके अलावा आपी जान, आपके लिए मेरा एक मैसेज है, ये वही वाला मैट है ना जो आपके पास भी है, मैं इसमें से सामान उठा लूँ फिर दिखाती हूँ। ये गांव के शॉपर है सारे, ओके अभी मैं उठा के दिखाती हूँ आपको। ये वाला मैट, ये मैट आप ही ने लिया था जब मैं सियालकोट गई, उन्होंने ऐसा मैट डोर में रखा हुआ था, मैंने कहा ये मैट कितने का आया, तो उन्होंने कहा ये आया है 400 का, और गांव में से ये सेम वही चीज़ बनी हुई है, और ये गांव में से मैंने लिया है सिर्फ 200 का, इतना ज़्यादा फ़र्क है। सियालकोट वैसे बहुत महंगा है इसका तो पता है, लेकिन इतना महंगा आखिर आई हुई है, ये 200 का वहाँ से मिल रहा है और वो 400 का दे रहे हैं। और ये आपने बर्तन देख लिए सारे, ये मैंने सारे तकरीबन 3000 में लिए, और मुझे बड़ी खुशी हुई थी इस दफ़ा जाके कि मैंने वहाँ से इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली है, और सारी चीज़ें ही मेरी पसंद की थी, मुझे काफ़ी पसंद आई, स्पेशली बॉल्स बहुत पसंद आए, और उसके अलावा ये वाली जो प्लेट्स हैं ये बहुत पसंद आई। अब मेरा ये कप टूट गया, मैं इसका क्या करूँ, ऐसे ही सजा के रखूँगी और दिल दुखता रहेगा इसको देख देख के कि मेरा ये कप टूट गया, क्योंकि ये गाड़ी में रखे हुए थे पीछे, और कोई जंप वगैरह लगा है तो ये बस टूट गया। अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर की तरफ अपना हाथ चेक करवाने के लिए, क्योंकि दर्द काफ़ी ज़्यादा होने लग गया। आपको चलिए चलते हैं, जी डॉक्टर से होके आ गए वापस, और इतनी बड़ी पट्टी लगा दी डॉक्टर ने।
आज मैंने ड्राइविंग की क्लास लेने भी जाना था, लेकिन वो भी मिस होगी क्योंकि हम डॉक्टर की तरफ चले गए, और फिर वहाँ से आते साथ अभी इफ्तारी का टाइम भी हो रहा है, और आज की जो इफ्तारी है वो बहुत सिंपल सी है, बहुत ज़्यादा डिशेस नहीं आपको नज़र आ रही होंगी। वैसे भी हमारी जो इफ्तारी है वो अमूमन सादा ही होती है, शुरू से हमारे घर में ऐसे चलता आ रहा है कि जो टेबल है हमारा वो सादा ही होता है, बहुत ज़्यादा भरमार नहीं होती टेबल के ऊपर इफ्तारी के टाइम पर। ख़ास तौर पर कुछ फ्रूट हो गए, कुछ दूध शूद हो गया, और चंद एक चीज़ें ही होती हैं, और आज तो समोसा भी एक ही नज़र आ रहा होगा आपको टेबल पे, समोसे पकौड़े कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, और इफ्तारी के बाद डायरेक्ट हम खाना ही खाएंगे। साथ स्प्रिंग कौन लेता है? हॉलीवुड गोल्ड। बाद में? नहीं अभी, बाद में। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।